अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हाँ तुहारी सना मलिक। सना मलिक के डेली दी रूटीन और डेली दे नवे नवे व्लॉग, डेली दे नवे व्लॉग विच ए चीज है कि फिश फार्म के जेडी असा मतलब फिश या मछली खांदे हैं बड़े टेस्टी और बड़े मजे नाल और बड़े एंजॉय कर करके। यानी कि हुन तो वैसे भी सर्दियों का मौसम आना पे और सर्दियों का तो आपको पता है कि यानी कि हर बंदा बड़ी फिश को बड़े मजे नाल और बड़े तरीके नाल खांदा है और बड़े शौक नाल खांदा है। यानी कि बड़े शौक नाल और बड़े मजे नाल खांदे ने, इस वजह तो कि बेसन यानी ला के और फ्राई करके मिर्च मसाले ला के बड़े टेस्टी बड़े मजेदार करके खाने। और खास तौर ज्यादा बड़े 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 लोग यानी कि होटलिंग करे ने और फिश मतलब खा के भी नाल नाल पैक भी करा के आने। तो व्यूअर्स गल चीज है कि ओ फिश फार्म यानी कि ऐसा से रह के देहात भी सदे ने कि तला यानी कि पानी का तलाब होंगे फिश फार्म होंगे कि यानी कि इस विच मच्छियां छुड़े ने। यानी कि मछली यानी कि जेडी मछली होंगी है मछली यानी कि इनकी पैदावार ए चीज है कि एक इंजेक्शन और टीका मिलते टीका यानी कि लाया वेंदे उनके विच यानी कि इन छोटे छोटे यानी कि बच्चे पैदा थी जिस टाइम व्यूअर्स बच्चे पैदा थी बच्चों को यानी कि एक ऐसे छोटे तलाब छटा बन सकते यानी कि वह बढ़ते हैं जिस टाइम बढ़ वे तो एक इंच का बच्चा होंगे यानी कि त्रै रुपए का बच्चा मिलते मछली लावे यानी कि उस तो बाद उस तो थोड़ा जहा दू इंच का बच्चा होंगे यानी कि उसका रेट बढ़ वेंदे जिस टाइम त्रै इंच का बच्चा होंगे तो यानी कि उसका रेट उस तो ज्यादा बढ़ वेंदे जिस टाइम उस इंच के हिसाब से बच्चे होने यानी कि फिश दे और मछली दे और लेके आने तो मुख्तलिफ यानी कि तलावों में सटे ने जिस टाइम वो तलाव में सट देने तलाब मतलब कि कुछ अरसा उस तला जिन थोड़े बढ़ वे बढ़ने तो बाद दूसरे तला शिफ्ट करें कि यानी कि थोड़े वे थी गए उन्होंने को पानी खुला चाहिए और वे मतलब बड़ा तला उन्होंने को चाहिए उस तो बाद जिस टाइम यानी कि इन्होंने यानी कि उम्र यानी कि त्रै साल यानी कि फिश फार मतलब सॉरी फिश यानी कि तैयार थी है त्रै साल फिश तैयार थी है यानी कि त्रै साल बाद जो मछेरे हैं और मालिक हैं इन्होंने मतलब कि परवरिश करें देखभाल करें बहु एहतियात करें बहु ख्याल करें और जिस टाइम दिन का टाइम होंगे पानी उत्ते वाला तला तक गर्म थी होंगे और जमीन में पानी ठंडा होंगे तो सुकून नाल मछलियां बड़े मजे नाल बड़े इंजॉय नाल तले रानी और धानी बड़ा इंजॉय करें और व्यूअर्स रात के टाइम जो पानी होंगे तले का जमीन का गर्म थी वेंदे और व्यूअर्स उत्ते वाला पानी जो है ना ठंडा थी वेंदे हमेशा जेडे मतलब इन्होंने मालिक उन्होंने तलाव के फिश फार्म के तो पानी हमेशा ही पानी रात को लेने पानी रात को इस वास्ते लेने के मछलियां को बड़ी टेंशन थी और बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि जहर की गल है उन्होंने रहन सहन पानी में होंगे और पानी में उन्होंने पैदावार है पानी में ही और आनी अक्सर तो उन्होंने को पानी की अच्छा जरूरत होंगी है क्योंकि पानी की यानी कि चीज है पानी में ही रही है पानी तो बगैर तो पता है कटे सौ तो पानी खत्म हो सी मछली मतलब खत्म हो वी मर वी यानी कि हलाल हो वी मतलब आखन दे कि हलाल हो वी जिस पानी तो बैर कटे सौ असर सारी बहुत जरूरत चीज है सारी बहुत जरूरत डिश है बहुत मजेदार और बड़ी डिश है और बहुत ज्यादा हर इंसान की फेवरेट डिश है फिश व्यूअर्स अस इस बारे तक ये चीज दसना चाहते हैं कि जेडी यानी कि त्रै साल इन्होंने मेहनत होंगी है त्रै साल बाद बन के अस मछली यानी कि खा सकते हैं और अगर सेल कर सकते हैं बेच सकते हैं और इस तरीके नाल ये गल मतलब कि एक मैं काफी फिश फार्म मैं उन्होंने गई हाँ बड़ा इंजॉय किए बड़ा घूमी हाँ बड़ा फिरी हाँ उन्होंने मेरे को मतलब फिश वगैरह गिफ्ट भी की थी बड़ा मैं को इंजॉय था मैं खा दिए बड़ा मजा आए बड़ा ही मजा आए यानी कि बड़ा ही मजा आया बड़ा ही इंजॉय था साडा और साकू उन्होंने दोबारा भी दावत दी है इस वास्ते कि सलाम मतलब दोबारा तुझे जरूर आसो जिस समय अस मच्छी कढ़ेसूँ और मच्छी सेल करेसूँ यानी कि मछी अगर आड़ती आड़ती आसन आड़ती लैके वैसन तो उस टाइम असं दोबारा भी गिफ्ट करनी है तो व्यूअर्स मैं ताजी और फ्रेश मतलब आखन का यह है कि सारी मुकदी मुकावा काकू क्या तरह हमें सेर खावा यानी कि मुकदी मुकावा तो सारे यानी कि आखन मतलब है कि हर चीज ताजी और फ्रेश सलाम मलिक गाँव में जो देहात में रही है ना यानी कि हर चीज ताजा और फ्रेश मजेदार और बड़ी टेस्टी टेस्टी यानी कि देखो तुम सब पई हुई किन्ते वे टाइम लगते परूथी होंगी एक दिन की दू दिन की अठ दिन की बर्फ लगी हुई मतलब कि फ्रिज फ्रीज थी हुई होंगी लेकिन नहीं ताजी सना मतलब ताजी और फ्रेश हर चीज खाती है हर चीज चाहती है बड़ा मजा आंदा है बड़ा अच्छा लगता है मेरे को बहुत अच्छा माहौल लगता है बहुत ही अच्छा इंजॉय देंगे गाँव और देहात में बहुत ताजी और फ्रेश हर चीज मिलती है आखना मतलब मेरा ये चीज है सारा चैनल फॉर मी स्टूडियो सारा चैनल स्टूडियो फॉर मी सारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर सो और नाल लिखी गए घंटी के निशान को जरूर दबे सो नेक्स्ट वीडियो नाल मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।